ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਅਗਰ ਦੁਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਬੰਦ ਸਮਝੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਛਾਪਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਓ ਫੈਕਟਰੀ ਛਾਪਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਬਾਨੇ ਬੁਨੇ ਨਾ ਲਾਓ ਮੁਲਕ ਚਲਾਣਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਏ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਚਲਾਣਾ ਜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਚਲਾਓ ਮੁਲਕ ਇਹ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਨੇ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਸਾਇਆ ਜੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਸਾਹ ਜੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਘਰ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੌਂਕ ਚ ਸ਼ੋਅ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਕੌਣ ਜੀ ਹੋਏ ਉਹ ਫਰੀਦ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਖਵਾਤੀਨੋ ਹਜ਼ਰਾਤ आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं महंगाई के हाथों रोना रोने वाली एक कारोबारी शख्सियत के एम छाबड़ी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओ फरीद भाई रोना क्या रोना है, रोना भी बंदर उधर जाकर होता है जहाँ कोई रोना सुन ले। यहाँ तो गवर्नमेंटों ने अब रोने सुनने ही छोड़ दिए। आप वो क्या बताए मेरी जान, वो घर में घुसते हैं, वो घर में शिकायतें इकट्ठी हुई होती हैं, बाहर निकलते हैं, बाहर शिकायतें इकट्ठी हुई होती हैं। कारोबार जो है वो बिल्कुल चिड़ियाई शीशा बेल्जियम पैदल जा रहा हूँ, पैदल फैक्ट्री जाता हूँ। एक कोई गड्डी रह गई थी शादी टियोटा, अब स्टार करने के लिए गराज में जाए तो आपकी परजाई की बात आती है। छाबड़ी शादी टियोटा नहीं खाली टियोटा। यार ये बात तो हम 10 साल से सुन रहे हैं, शादी टियोटा शादी टियोटा। वो नहीं जी, शादी टियोटा भी नहीं नाम रही, अब खाली टियोटा। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, टैंकी में पेट्रोल डालने के लिए ईमान से वो जब टैंकी खोलते हैं जी जी तो पेट्रोल की कीमत याद आती है। तो चिट लिख के मैं तो टैंकी में फेंक देता हूँ, आई एम सॉरी। गाड़ी फिर भी चल रही है, फैक्ट्री फिर भी चल रही है, लेकिन रोना रोते रहना है। वो मेरी जान होया भाई कौन जी होए, वो फरीद भाई गल समझ नहीं रहे तुसी। तरस तरस के कारोबार कीता तो क्या कीता, डर डर के बिजनेस कीता तो क्या किया। यकीन करोगे, फैक्ट्री जाके मैं दफ्तर में नहीं बैठता, उठ के निकल जाता हूँ। वो मैं तो जाके परे किधरे मजदूरों के साथ किसी धड़े पे ही बैठ जाता हूँ, उनके साथ ही मजदूरी करते हैं ताकि खुद भी तनख्वाह ना लें और उन्हें भी तनख्वाह ना देनी पड़े। वो नहीं भाई जान, आजजी है आजजी। वो केड़ी आजजी हो भाई, मजबूरी। दो मिनट ओनली फॉर 2 मिनट फरीद साहब, सिर्फ 2 मिनट के लिए जाके दफ्तर में बैठते हैं। कोई मजदूर आ जाता है, बाबू जी 2 महीने की एडवांस तनख्वाह दे दे। कभी फोरमैन आ जाता है, लाओ जी पुर्जियां दा बिल। कभी कोई मिस्त्री आ जाता है, बाबू जी बड़ी मशीन दी पुली फेर टूट गई। चल यार मेरा ऐसे दिल टूटे है, तू पुली लेके आ गई। छाबड़ी साहब इधर तशरीफ ले आए, ये चाचे सीआईडी का घर है, उतो गर्म पानी सुट दे जे। देखो ना जरा, देखो देखो जरा, किसी पास सुकून हो बैठे जनाब, तुहानू कोई पता लगे। तशरीफ रखे छाबड़ी साहब, इत्थे सोफे ते बैठो, तुसी बूहे के बैठे जिवें दुध वाले नू उड़ीकण दे। ओ गौरी भाई की दूध वाले नू उड़ीकणे, सारा बिजनेस ही टाइट है। छाबड़ी साहब मैं तो हैरान हूं, आपके गले में इतनी सोने की चैने थी, अब एक रह गई है। वो सारियां दा नाश्ता कर लिए, उड़ीक रह गई, ये नहीं भी हमें एक दो दावतां च खत्म हो जाना है। मजदूर की तनख्वाह देने पे रोना रोना है, फैक्ट्री पे पैसा नहीं लगाना, टैक्स इन्होंने नहीं देना, लेकिन चेन बेच के नाश्ते करने हैं बाहर। उन खाना पीना भी छोड़ दीजिए, जहर दे दियो फिर कारोबारी आदमी नू, वो भी महंगा हो गया है। लाओ ओ भाई जी, क्या बताएं आपको, किस तरह कारोबार ने लिफो गुड्डी की तरह चोक मारी है। सिद्धा जमीन ते वजा नहीं जाके, हर साल आपकी भाभी को गर्मी की छुट्टियों में जर्मनी लेके जाते। जर्मनी इस दफा तो मैंने कह दिया है, ओ पली लोग लाले मुंह से चली जा वड्डे भराल। अगो बेचारी सड़ी बली कहती है, भाजी नू कीता सी फोन, ओ को अपने साले अल मंचना बाद गए।
तो छाबड़ी साहब फिर भाभी को बाहर क्यों नहीं लेके जा रहे? लो बाहर कहाँ से ले जाए फरीद भाई, डॉलर तो देखे कहाँ का कहाँ पहुंच गया है। सोते पे उठिए तो डॉलर का पता ही नहीं होता जिसे छे। डॉलर का तो हमारे वड़े ताए वाला साहब हो गया हुआ है, जिसका मेंटल लेवल जरा अपसेट था। सवेरे उठ के घर लभीदा जी ताए नु ताया लभदा ही नहीं सी। शाम नु चकवालो फूफी रूबी वालो फोन आंदा सी, भाजी मेरे घर पहुंच गए। डॉलर का तो फरीद भाई गली के कुकड़ वाला साहब हुआ हुआ पकड़ा ही नहीं जा रहा। चावड़ी साहब, होटल्स भरे हुए होते हैं, मॉल्स भरे हुए होते हैं, एयरपोर्ट पे लाइन लगी हुई होती है, खुदा के वास्ते रोना धोना बंद करें। ये कारोबारी हजरात, आप जैसे लोग टैक्स दें मुल्क के लिए, टैक्स देंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। लो 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 लो, मैं तो उधर देखना ही नहीं उड़। क्यों जी? वो गाली मेरी बीवी वाली की थी ने। ये तो आधा दे फरीद साहब अपनी भरजाई वाला सा दे बेगम, और जूस वाली मशीन के नीचे गिलास रख के शोर मचा रही है छाबड़ी, मशीन में से जूस क्यों नहीं आ रहा? ओ मैं कहा भलिए लोग, वो मशीन च माल्टा सुटेंगी तो जूस निकलेगा। वो टैक्स कहाँ से दे दे? कारोबार चले तो टैक्स आए ना। फैक्ट्री चल रही है, कारोबार चल रहा है, फिर भी रोना रोते हैं। वो जी तो आनू सारी फैक्ट्री अगर दुख दी है भी चल दी ते बंद समझो। बंद कर देने वो नीच नहीं, बंद कर देने जाओ तुसी चला लो फैक्ट्री। छाबड़ी साहब हमें बहाने बुने ना लाओ, मुल्क चलाना तो टैक्स देना ही पैना तुहानू। ओए सारा मुल्क साडे कोल ही चलाना जे, जेडे वोटा वोटा लैके आते ने उन्होंने कहो चलाओ मुल्क। ये मुल्क एक गड्डी है जी, असा भी तो कार आने चलनी है। इधर आ जाओ, इधर साया जे। ओ अदा फाज लो, ओ इथे को घर सही भी है कि नहीं? इधर लगता है पाकिस्तान चौंक च शो रख लिया तुम, जिथे कोई काम भी नहीं ठीक। चावड़ी साहब टैक्स तो देना पड़ेगा आपको। लो चलो मेरे मुंह दे दियो। वो तेरे मुंह कितों दे दईए, हुणे उन्हें अपनी विग ला लेनी, तेरा मुंह बदल जाने। बाबू जी बात सुने, वो टैक्स कितना को दे? हर चीज पे टैक्स देते हैं। वो जाके बाजारों आप 100 रुपए की चीज खरीदे उस पे भी टैक्स है, जाके रेस्टोरेंट में रोटी खाएं उस पे भी टैक्स है। मेडिकल स्टोर पे वालदा साहब अगर ये दवाई लेने जाऊं, और वो कहता है भाई जी बिल में टैक्स भी है। और किन्ना को दे दी ये टैक्स यार? टोल प्लाजे वाला डंडा नहीं उठाता जब तक टैक्स ना दे। कितना को दे रही यार टैक्स? फैक्ट्री देखे कितनी को चल रही है। गौरी साहब जरा गौर करें, कुछ महीने निकल जाती है गैस नहीं आती फैक्ट्री बंद, कुछ महीने बिजली नहीं आती फैक्ट्री बंद, कुछ महीने माल नहीं आता फैक्ट्री बंद, कुछ हफ्ते वाडियों में गुजर जाते हैं सारी लेबर दौड़ जाती है। वो जेडे चंद दिन फैक्ट्री चलती है उसमें से कौन सा टैक्स निकाल के दे दे? गुज़िश्ता 10 सालों से यही रोना रो रहे हैं छाबड़ी साहब, और इन 10 सालों में 1 से 3 फैक्ट्रियां हो गई आपकी। ओ मासी छीछो क्यों मेरी फैक्ट्रियों के पीछे पड़ गई हो? मजबूरी में डाली है फैक्ट्रियां, कौन खुशी से डालता है फैक्ट्री? एक कोई फैक्ट्री बड़ी थी, वो तो बड़ा आपका भतीजा जवान हो गया, उसने नशे पे लग जाना था अगर दूसरी फैक्ट्री ना डालता। उसको नशे से बचाने के लिए मैंने दूसरी फैक्ट्री डाली है। तो तीसरी? ओ यार फिर दूजा मुंडा भी बड़ा हो गया। अच्छा। वो एक लड़की के लव में इन्वॉल्व हो गया था। उसे तीसरी फैक्ट्री डाल के दी है कहीं उसकी जिंदगी ना खराब हो जाए। फैक्ट्री एक ही रहती तो कौम खराब हो जानी थी। आप ताने दे रहे हैं। ताने नहीं दे रहे, हकीकत बयान कर रहे हैं। पैसा कमाया है आपने फैक्ट्रियां डाली, और पैसा कमाया है तो टैक्स भी देते आप। ओए एंकर बड़ा डाटा जी, ओए और मैं अपने पोतरे ने स्कूल लो लेना खुदा। ओ आज इतवार जे छुट्टी जे। ओए इतवार वाले दिन भी जानदा है ओ भाई।